हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यूजुअली मैं एवरेस्ट का ही मसाला यूज करता हूँ, और एवरेस्ट बहुत ही फेमस है इंडिया का, आपको पता होगा। तो ये प्योरली वेजिटेरियन है, देख सकते हो। तो ये मेरे को एक पीस पड़ा था 5 रुपए का, और आप देख सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एकदम ठीक ठाक से। और यहाँ पे भी आप इनका ये देख सकते हो पैकेटिंग, प्लस हर एक चीज यहाँ पे कोड स्कैनर वगैरह सब दिया है। नेट वेट 8 ग्राम का है, मैं 10 ग्राम भी नहीं है 5 रुपए में। तो यूजुअली अगर गांव वगैरह में आप रहते हो तो वहां पे तो आप लोकली आप क्या बोलते हैं, नेचुरल आप ले सकते हो पीस वीस कर मील वगैरह में जाकर। पर वैसे अगर आप शहर में रहते हो तो आपको ये सभी यूज करना पड़ेगा। वैसे एवरेस्ट का मसाला बहुत ही ट्रस्टेड मसाला है, तो बिना कोई हिचकिचाहट के आप यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात एवरेस्ट की मुझे ये लगती है कि ये 5 रुपए में भी आती है, 10 रुपए में भी आती है। और गरम मसाला में दोस्तों देखिए क्या क्या कंटेन है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या दिया है। कुरियंडर है, चिली, क्यूमिन, मैंने हर एक चीज, क्लोव, कार्डमन, इलायची वगैरह सब दिया हुआ है, लौंग, इलायची। तो ये इस गरम मसाला यही सब होता है, मिक्स होता है ताकि पेट आपका ठीक रहे। और गरम मसाला यूज करना चाहिए अगर आप करी वगैरह सब्जी वगैरह बना रहे हो तो। उससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन ठीक रहता है। और यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों बेस्ट बिफोर 15 मंथ्स फ्रॉम पैकिंग, यानी कि अगर जब अप्रैल में पैकिंग हुआ है, अप्रैल 26 को, तो 22 में, तो 15 महीना तक आप इसको रेगुलरली यूज कर सकते हो, उसके बाद एक्सपायर हो जाती है। तो होलोग्राम देख सकते हो, वेजिटेरियन है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गरम मसाले यूज करते हो तो एक एवरेस्ट का आप यूज कर सकते हो, नहीं तो एक MDH का आता है वो भी आप यूज कर सकते हो, तो ये भी ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अच्छा आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यही है।